और उसकी बेटी। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान अपने चार बेटों के साथ। बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहा करता था। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने कई बार उनको समझाया, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं माना। हमेशा अपने पिता की बात को टाल दिया बिना आदर किए। चारों भाई एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते थे। किसान और बूढ़ा हो गया और उसके चार बेटे अभी भी वैसे के वैसे ही रहे। किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हो गया। अतः उसने सबको एक सबक सिखाना चाहा। एक दिन किसान ने अपने चार बेटों को अपने पास बुलाया। सबको लकड़ियों का घट्टा दिया। मेरे बच्चों, तुम सबके लिए मेरे पास एक काम है। ये एक साधारण लकड़ियों का घट्टा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घट्टे को दो हिस्सों में तोड़ दो। सबको ऐसा करने का एक एक मौका मिलेगा। सच में पिताजी, ये तो बहुत ही आसान है। उफ, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, कोशिश भी नहीं करना। मैं तो सबसे बलवान हूँ और एक क्षण में तोड़ सकता हूँ। क्या मजाक है ये, सबको पता है कि सिर्फ मैं ही अब कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा, बस करो अब। मैंने यहाँ तुम लोगों को लड़ाई करने नहीं बुलाया। जैसा मैंने कहा वैसे चुपचाप करो। पहले सबसे बड़े बेटे ने लकड़ियों के घट्टे को तोड़ने की कोशिश की। लकड़ियाँ ना टूटने की वजह से वह हैरान रह गया। उसने बहुत जोर लगाया और सांस लेने भी रुक गया, पर घट्टा टूटा नहीं। अंत में उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, पर वो भी असफल हुआ। तो गुस्से में आकर उसने लकड़ियों को नीचे फेंक दिया। बाकी के दो भाइयों ने भी पूरा दम लगाकर लकड़ियों के घट्टों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हुए। सब लोगों ने हार मान लिया और पिताजी से पूछने लगे, ये तो बकवास है पिताजी, वैसे आपने हमको ये करने को बोला ही क्यों? किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने लकड़ियों का घट्टा लिया, उनको अलग किया और एक एक लकड़ी अपने सारे बेटों को दे दिया। अब तोड़ने की कोशिश करो। इस बार सबों ने आराम से लकड़ी को तोड़ दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक अलग लकड़ी आसानी से तोड़ दी जा सकती है, पर अगर चार लकड़ी एक साथ रखोगे तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चारों भी इन लकड़ियों की तरह ही हो, हमेशा एक साथ रहना और फिर कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार लड़कों को पिताजी की सीख समझ आ गई। सबों ने एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दिया और आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अच्छे से साथ साथ काम करने लगे। चार बेटों को ये एहसास हो गया था कि एकता में ही बल है। एक समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान धर्मपाल नामक। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे, जैसे मुर्गी, सुअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय, जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफी प्यार था, क्योंकि वे हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज्यादातर गाय के दूध से ही मिलती थी, तो वो चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। पापू पापू, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा, गैया बीमार हो गई शायद, जमीन पर पड़ी है और अजीब आवाजें निकाल रही है, दूध भी नहीं दे रही है। किसान और उसका बेटा तुरंत घर की ओर गए, तो देखा कि गैया बहुत कमजोर लग रही थी। जब दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया।
अगर यह दूध नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा? बिना दूध के ये तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसके लिए दवाई और देख रेख करने का समय नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ करके इससे छुटकारा ही पाना पड़ेगा। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसको खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया और अब वह उसके लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गया अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार वह खुली जगह पर पहुंच गई, पर उसको पता ही नहीं था कि वह कहां आ गई। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश गिर पड़ी दरवाजे के पास। यह एक गरीब आदमी मधु का घर था। सुबह सवेरे मधु बाहर आया तो उसने गैया को अपने दरवाजे पर देखा। गैया बहुत बीमार लग रही थी और मधु को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया मदद के लिए। ओ सुनती हो, यह बेचारी गैया बहुत बीमार है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा घास और चावल है जो यह खा सकती है। मधु ने जो कुछ थोड़ा सा खाना था वो ले आया और गैया के सिर पर गीला कपड़ा रखा। मधु और उसकी पत्नी ने बहुत दिनों तक गैया का ख्याल रखा और धीरे धीरे गैया की हालत बेहतर होने लगी। जल्द गाय अपने आप चलने लगी। मधु गैया से बातें करता था रोज उसको खिलाते हुए। गैया को भी मधु से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब मधु घर के बाहर सफाई कर रहा था, गैया उसके सामने आ गई, अपना पैर जमीन पर पटका और मजबूती से खड़ी हो गई। पहले मधु को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। मधु ने एक मटका लाया और गाय से दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देकर मधु खुशी से झूम उठा। जल्दी वह अपनी पत्नी को दिखाया। देखो क्या हुआ, आज गौ माता ने दूध दिया है। हम इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, आप जल्दी बाजार जाइए और इसको बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम घर पे दावत करेंगे। तो मधु गया बाजार और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको गैया देने के लिए। मधु दूध बेचने लगा और जल्द अपने शुद्ध दूध के लिए मशहूर बन गया। गांव वालों को अब केवल उसी का दूध चाहिए था जिसके लिए अच्छी रकम भी दिया करते थे। इस बात की खबर धर्मपाल तक पहुंच गई। मेरी गैया को चुराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी, और अब वह अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं अभी जाकर उसको वापस लूंगा, वो तो मेरी गाय है। धर्मपाल गया मधु के घर। मैंने सुना मेरी गैया तुम्हारे पास है और तुम उसका दूध बेच रहे हो। ये तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। यह सच नहीं है, गाय बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। तुमने इसका ख्याल नहीं रखा पर मैंने इसको ठीक किया है। यह मेरी है, तुम गाय को वापस नहीं ले सकते। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, ग्राम प्रधान के पास जाकर उनसे बात करूंगा, अब वही फैसला करेंगे। तो दोनों आदमी ग्राम प्रधान के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। तो यह है तुम लोगों की समस्या, यह तो बहुत आसान है, मैं हल कर दूंगा, चिंता ना करो। धर्मपाल को लगा अब वह जीत ही गया।
उसको पता था कि वही गाय का असली मालिक है, तो बस उसी का नाम सुनने का इंतजार करता खड़ा रहा। तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ। वो दोनों इसी प्रकार गाय के आजू बाजू में खड़े हो गए। कुछ देर तक सब चुपचाप थे। अचानक से गाय अपनी जगह से हिली और मधु के पास आकर खड़ी हो गई। अतः ग्राम प्रधान ने यह निर्णय लिया कि गाय मधु की ही है, क्योंकि उसी ने उसको प्यार दिया और उसको अच्छे से ख्याल रखा। अब गैया ने अपना मालिक खुद चुना है, तो मैं इसकी इच्छा टाल नहीं सकता। मधु, ले जाओ अपनी गाय को। मधु बहुत खुश हो गया और गैया को अपने घर ले चला। धर्मपाल निराश होकर पछताने लगा कि उसने गैया को पहले जाने ही क्यों दिया था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने ना दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दें।